Hey guys, विश्वास पैनू अली। हाय गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी जिसकी बहन की शादी के लिए मैं घर जाना हूँ, वो अभी कॉल पे। ऋतिक से हाय बोल। हाय, आवाज नहीं ढंग से, फिर से बोल। हाँ हाय बोल रहा है अभी। सुन तो, ड्राइव सीन है, 290 में ऑटो तो नहीं भेजी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हम कितने खुश थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और खासकर मैं ड्राइव जी का वेट कर रहा था कि ड्राइव जी का कोई बंदा गाड़ी डिलीवर करेगा, उसके बाद मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा एयरपोर्ट जाते हुए। बट 15 मिनट के अंदर सारा का सारा परसेप्शन ही चेंज हो गया। अब आप आगे देखिए क्या क्या होता है हमारे साथ, स्पेशली मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला जा रहा था, और अगर मैं इनके भरोसे बैठ जाता तो मेरी फ्लाइट छूट जाती। इसलिए अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तक आया नहीं? तो मैंने बुकिंग करा दी है, उसमें पूरा मेरे को मैसेज आया है, मेरे पैसे कट गए। कस्टमर केयर से बात कीजिए, हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो। अरे तो मेरा तो फ्लाइट है ना अभी 11 बजे का। हाँ सर, बात कीजिए सर, पहले कस्टमर से बात कीजिए। नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे, मैंने बोल तो दिया अभी। मैं लोगों को पता नहीं सर, हम लोगों को पता नहीं, एक बार कस्टमर से बात कीजिए। अच्छा, आपको पता नहीं? हाँ ठीक है, नाम आ तो रहा था उसमें, क्या नाम? मनोज ना, मनोज कुमार। बताओ इनको आई नहीं? ये क्या बोल रहा है कि इस पे गाड़ी का कोई इन्फॉर्मेशन ना। दिन में मैंने ड्राइव जी बुक करी थी जाने के लिए, व्हाइट फील्ड से लेके एयरपोर्ट, सेल्फ ड्राइव। पूरा बुकिंग का आ गया था मेरे को कि बुक हो चुकी है गाड़ी तुम्हारी, गाड़ी का नंबर आ गया था, सिलेरियो थी। 9 बजे का टाइम था, 9:15 हो गया, अभी तक किसी का कॉल नहीं आया मेरे को। कस्टमर केयर भी नहीं उठा रहा था, मतलब वो सिर्फ बेल जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। तो फिर नेट से ढूंढ के जो व्हाइट फील्ड ड्राइव जी है वहाँ पे कॉल किया, तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि ही उन मतलब बुकिंग है मेरी। फिर वो कह रहे हैं कि देख लो सर, आप देख लो, मैंने रिकॉर्ड करा है वो। इससे पहले ड्राइव जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो था अच्छा था। मैंने ही सुयश को रिकमेंड किया था, बट आई रियली हेट इट नाउ बिकॉज डिलीवरी अभी तक नहीं आई है। जो जोन है व्हाइट फील्ड जोन, उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बुकिंग के बारे में। वो कस्टमर केयर से बात करने के लिए कह रहे हैं, जो कोई उठा नहीं रहा। ऐसे कौन करता है यार, किसी को अर्जेंट जाना होता है। हाँ पता, अच्छा हुआ मैंने 9 बजे के, मेरी अभी 1 बजे की फ्लाइट है, तो मैंने 9 बजे करा दिया था, मैं आराम से घूमते हुए जाऊंगा। ये मैंने अभी ओला ही बुक कराई है फाइनली। कहा मैं 250 रुपए में एयरपोर्ट पहुंच रहा था, मुझे 800 रुपए देने पड़ेंगे। हेलो, यस सर, ड्राइव जी मैंने कॉल भाई। अब इस कॉल के बाद जिस ड्राइव जी ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी, उसने मेरे को ड्राइवर का नंबर फाइनली दे दिया। 9 बजे का टाइमिंग थी और 9:30 पे उसने मुझे ड्राइवर का नंबर दिया कि ये ड्राइवर का नंबर है और ड्राइवर से बात करो। अभी जो आगे रिकॉर्डिंग है ये उस ड्राइवर की है, और किस तरीके से बात कर रहे थे तो आप देख ही लो, मतलब उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। आगे देखो। आप हो कहाँ पे? नहीं सर, हम लोग दूसरा व्हीकल के लिए आए, इधर ट्रैफिक में फंस गए सर हम लोग। नहीं, हो कहाँ पे आप, ये तो बताओ। दूसरा ड्राइवर उधर कोई नहीं सर, अकेला एक ही है ड्राइवर। अरे वो मेरे को समझ में आ रहा है, आप हो कहाँ पे ये तो बता दो। हम तो इधर रेमबो हॉस्पिटल है सर, इधर है। कहाँ पर? रेमबो हॉस्पिटल मौजूद है। रेमबो हॉस्पिटल कहाँ पे है? किधर है ये? मारादल्ली है। कितना टाइम लगेगा यहाँ थुबरा ले आने में? कितना? अरे यार नक्कुंजी मालूम है। हाँ पता है मेरे को, आप बाजू में ही हो, आपको टाइम कितना लगेगा ये तो बताओ। अब ये 9 बजे का दिया था टाइम, देखो 9 बजे का टाइम दे रखा और टाइम हो चुका है 9:30, अभी तक नहीं आया, और अभी भी बोल रहे हैं कि ट्रैफिक में फंसे हैं, नहीं आ पाएंगे। तो भैया ठीक है, बाय। अरे मेन नुकसान है कि किसी की फ्लाइट छूट जाएगी, कोई बात नहीं भैया, 1000 रुपए इसमें क्या जा रहा है, चले जाए। क्योंकि जो वो चीरा लगता है ना वो ज्यादा है अगर फ्लाइट छूट जाए तो। पैनो तू रिफंड ले मेरा रिफंड। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ। ओके शान, चल फिर बाय, पहुँच ही करता हूँ कल। ओके भाई, कुछ सामान छूटेगा तो ले आना। अरे सॉरी भैया, आपको वेट कराने के लिए इतना। 6290। और जिसको नहीं पता ड्राइव जी के बारे में ज़्यादा, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो अपने ड्राइवर थे उनको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि चुप नहीं बैठा जा रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था अंदर से, तो किसी ना किसी को कुछ बोलना था। जो ड्राइवर था साथ में उसको मैं समझा रहा था, अपनी बात पूरी कहानी सुना रहा था अपना। ड्राइव जी एक ऐप है ना, सेल्फ ड्राइव होता है वो। मेरे को एयरपोर्ट जाना है ना अभी, जैसे आप आए वो गाड़ी दी आपने मुझे, ये स्विफ्ट दे दी। ओके, अब ये स्विफ्ट मैं ले जाऊंगा एयरपोर्ट खुद चला के, और वहाँ छोड़ दूंगा पार्किंग में। पार्किंग में आपका दूसरा बंदा रहेगा,
उसको दे दूंगा। और इस इंसिडेंट के बाद मैं फ्यूचर में कभी ड्राइव यूज तो करूंगा नहीं, क्योंकि गाड़ी नहीं आई कोई बात नहीं, बट जो एक तरीका होता है बोलने का वो बहुत ही बेकार है।